गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, एक्चुअली ना मैं, ये मेरी फाइल है जी। मैं कनाडा जाना चाहता सीगा सर, मेरे ना तीन रिफ्यूजल आने। ठीक है जी। हाँ जी, केड़ी कंट्री तो है सर? कनाडा तो ही है तीनों ओके रिफ्यूजल। से कदों लगी हैं जी? सर दो तो मेरी पिछले ईयर सीगियाँ, एक मेरी इस ईयर दी सीगी। एक्चुअली मैंनू ये सीगा कि इस बार आ जाएगा, श्योर सीगा। कम उन्होंने कहा भी सीगा कि श्योर श्योर है, बट एक्चुअली स्टडी भी दी इस बार भी रिफ्यूजल किन्ने आया। पैसे खराब कर ले? पैसे तो सर पहला दो वरी सीगा जेड़ा, उदो भी एक वरी तो 25,000 चीज सीगा, फिर 75,000 लता सीगा, इस वरी 2 लाख दिता हुआ सीगा। वो कह रहे ने कि वापस कर देंगे, बाकी कुछ पता नहीं सर। किन्नी देर हो गई है? सर मैंने 4 तो 5 साल हो गए तकरीबन। ओके सो कनाडा जाना चाहते हो जी, आयल्स स्कोर ताड़ा देख रहे हैं जी, 2 महीनों में ताड़ी आयल्स एक्सपायर हो जानी है। हाँ जी सर, एक्चुअली आयल्स में मैं 2 बारी रिपीट कर चुका है पहला। ठीक है, एक बारी पहला भी एक्सपायर हो गई सी, हूँ भी की थी पिछले साल, एक्सपायर होने वाली है। देखो ब्रदर, कनाडा वीज़ा लेके दूंगा, एक हफ्ते जो फाइल ताड़ी एम्बेसी से लॉगिन करांगे, इंक्लूडिंग ऑफर लेटर, इंक्लूडिंग अटेस्टेशन लेटर, एक दिन च अटेस्टेशन लेटर अप्रूव करा के दूंगा। बिना निक्का पैसा दिते वीजा एप्लीकेशन करांगे, ना एप्लीकेशन फीस, ना प्रोसेसिंग फीस, ना कॉलेज ते, ना ही एम्बेसी फीस। पैसे उदन दे जिदन वीजा लग जूगा, एक हफ्ते तुहाडी फाइल नूं एम्बेसी दे विच लॉगिन करांगे ते अगली वारी वीजे दे नाल ही मिलांगे। ओके सर, थैंक यू जी। बट मेरा ना एक क्वेश्चन सीगा सर, मैं ना चंडीगढ़ भी गया सीगा इथों जलंधर तो, ते उदों उन्होंने मैनूं कहा सीगा कि 1.5 लाख रुपया लगेगा अटेस्टेशन लैटर दा, ते उन्होंने ये भी कहा सीगा कि तेरी 3 रिफ्यूजलां ने, ते तेरा कैनेडा औखा है कि तू कंट्री चेंज कर ले, ते मैनूं कंट्री चेंज करनी चाहिए नहीं? देखो कंट्री चेंज की कोई नीड नहीं हैगी, रही गल अटेस्टेशन लैटर की, इहदी कोई भी फीस नहीं हुंदी। अटेस्टेशन लैटर जिहड़ी है फ्री दे विच मिलदी है। सेकंड थिंग है कि 3 वार रिजैक्ट कोई वड्डी गल नहीं है, 10 वार रिजैक्शन या 12 वार रिजैक्शन दे नाल भी असीं कैनेडा दे वीजे लिते हैं, सो वरी करन दी नीड नहीं है। रही गल तुहाडी आयल्स जिहड़ी है 2 महीने च एक्सपायर हो रही है, सितंबर 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।